बच्चों, आज हम लोग जमा हुए हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के लिए और हम चाहते हैं आप लोग शांति का ध्यान दीजिए, शांतिपूर्ण ढंग से इस कार्यक्रम को सुनिए। इसलिए आप लोग अभी से कुछ बोलिएगा नहीं, सुन लो, जो हल्ला करेगा सुन लो, 12 बजे रात को उसका दोनों आँख चौपट हो जाएगा। इसीलिए चुपचाप कार्यक्रम को देखते रहिए। यह क्या है जी? यह बोतल है, पानी का बोतल है, पानी पी करके आदमी इसको फेंक देते हैं, ठीक है? हमने वही बोतल लिया है और ये एक पाइप लिया है। आदमी को इसी पाइप के सहारे पानी चढ़ाते हैं डॉक्टर लोग, कब चढ़ाते हैं? जब डिहाइड्रेशन हो जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है, समझ गया? डेंगू होता है तब भी पानी चढ़ाया जाता है, डायरिया होता है तब भी पानी चढ़ाया जाता है, तो उसी पाइप को हमने लिया और इस बोतल में एक छेद करके इसको एडजस्ट किया है ताकि ये टाइट हो जाए, ठीक है? देखिए पाइप का कुछ भाग हमने नीचे डाल दिया और हम दिखाने जा रहे हैं, हवा दबाव डालती है, हवा क्या डालती है? वायु दबाव डालती है और इसी प्रयोग को हम दिखाएंगे। पहले हम दिखाएंगे कर करके, उसके बाद आप लोग खुद कर सकते हैं और आप लोग से करवा करके दिखाएंगे, ठीक है? हमने क्या किया, एक बोतल लिया, बोतल में क्या लिया, उसमें एक ट्यूब लगाया, एक नली लगाया, नली कहाँ से लिया हमने? डॉक्टर लोग जो पानी चढ़ाते हैं, समझ गए ना, उसी पाइप का ये टुकड़ा है हमने लगा दिया और इस जगह पर जो है हम एयर टाइट कर दिए, मतलब यहाँ से हवा पानी कुछ भी नहीं निकलेगा। तो कभी कभी बड़ा कर दिया थी। और यह बता सकते हैं क्या, होली में हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है? अच्छा हो जाएगा, कोई बात नहीं, थोड़ा सा हो जाएगा, कभी हार नहीं होता। रंग पानी में घुलनशील है या अघुलनशील है, कैसे समझेंगे घुलनशील है? यह पूरा पानी में फैल जाएगा, डिफ्यूज हो जाएगा, घुल जाएगा, ठीक है? देखिए पानी में घुल गया या धीरे धीरे फैलेगा, फैला है यहाँ पर, एक और कलर है, इसको हम घोल देते हैं, इससे ना हल्का कलर। ये देखो पूरा का पूरा पानी अब लाल होने वाला है, लाल हो रहा है, और ऊपर से नीचे के तरफ ताप जा रहा है, रंग का मतलब रंग जो है पूरा पानी में विसरित हो रहा है, रंग का विसरण हो रहा है, रंग फैल रहा है धीरे धीरे करके, रंग जो है पूरा पानी में घुल जाएगा। चलिए इसको हम मिला देते हैं, पूरा का पूरा पानी जो है रंगीन हो गया, क्या हो गया, लाल हो गया। अब कोई विद्यार्थी आकर के पाइप पकड़ सकते हैं। इससे पहले हमने जो प्रोजेक्ट वर्क दिखाया था, पीएलवी का दिखाया था, नाग धोन के पौधा से पाइप निकाल कर हमने साइफन तैयार किया था, देखा था तुम लोग? अब देखिए क्या होता है, इसको पहचानते हैं क्या है? मेला में देखते हैं हम लोग, चलिए इसको हम खुलाते हैं। मतलब है बाहर से भीतर हवा का दबाव बढ़ गया,
हमने अतिरिक्त हवा को इसके अंदर डाल दिया, अब इसको हम पाइप में लगाएंगे, ये बोतल में लगाएंगे, ठीक है। बोतल को नीचे बोतल देते हैं, देखो क्या हो रहा, पानी निकल रहा, देख लो क्या हो रहा, रे क्यों निकल रहा, गुब्बारे के अंदर जो अतिरिक्त हवा है, गुब्बारे के अंदर जो अतिरिक्त हवा है वह क्या कर रहा है, पानी के सतह पर दबाव डाल रहा है। नकी बाबू इधर आइएगा, यह साइफन नहीं है, साइफन अपने ऊंचाई से नीचे जगह पर पानी ले जाता है, और यह देखिए पानी का जो हाइट है उस हाइट से ऊपर पानी यह बह रहा है, बह रहा है। और यह देखिए गुब्बारा को जब हम दबाएंगे क्या होगा, पानी का रफ्तार तेज होता है, हो रहा है। इसका मतलब क्या है, पानी के सतह पर जब दबाव बढ़ता है तो पानी जो है नली के सहारे चढ़ करके पाइप में ऊपर चढ़ जाता है, देख रहे हैं आप लोग। तो यहाँ इस प्रयोग से हम समझ सकते हैं कि हवा दबाव डालती है, क्या करती है हवा, कैसे दबाव डालती है, गुब्बारा के अंदर जो हवा का अधिक दबाव है वह जल के सतह को क्या कर रहा है, नीचे से उठाकर पाइप में धकेलने का काम करता है, पहुंचाने का काम करता है, और यह है हमारा वायु दाब संबंधी प्रयोग। इस प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है हवा, इस प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है हवा दबाव डालती है, समझ गया जी। हमने रंग पानी में इसीलिए मिलाया कि थोड़ा दूर से नजर आ सके कि पानी जो है नली में चढ़ चुका है, और पानी नली में इसलिए चढ़ा जब हम गुब्बारा के अतिरिक्त वायु दाब को इसे बोतल से अटैच किया, ठीक है। अब कोई लड़का आपने से करके देखो, चलो एक लड़का है, गुब्बारा खुला, उसको बोतल में लगाना, ठीक से लगाना, अभी पानी नहीं चला, रुको पाइप में पानी है जी, अब पकड़ो, अब इसको लगाना है ठीक से, किसमें देखो, जैसे हम गुब्बारा को छोड़ेंगे फिर पानी चढ़ना शुरू हो जाएगा, पानी कहाँ चढ़ जाएगी, पाइप में। ऐसा इसलिए होता है कि गुब्बारा के अंदर जो हवा का अतिरिक्त दबाव है वो जल के सतह पर प्रेशर डाल रहा है। इस प्रयोग से निष्कर्ष निकलता है हवा दबाव डालती है। हमने भूगोल के किताब में पढ़ा था, प्रत्येक बच्चा जो जन्म लेता है उसके शरीर पर हवा का दबाव उतना है जितना कि 50 किलोग्राम किसी वस्तु का भार होता है, ठीक है। तो आज का यह प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग यदि आप लोगों को अच्छा लगा हो तो जोरदार ताली बजा दीजिए।